लैंडिंग पेज पे टाइमर लगाना बंद करो यार। अगर आपका ऑडियंस ऐसा है जो कि ऑलरेडी लैंडिंग पेज, कॉपीराइटिंग, मार्केटिंग, इन सारी चीजों के बारे में जानता है, जो आप लैंडिंग पेज पे टाइमर लगा रहे हो वो एवरग्रीन टाइमर है, 7 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, ये सारी चीजें, तो जो आप एक्चुअल में अर्जेंसी क्रिएट करना चाहते हो वो कभी भी नहीं होगा। तो आखिर इसके बदले क्या किया जाए? तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, कुछ अच्छे बोनसेस दे सकते हो और लैंडिंग पेज पे आप अच्छे तरीके से मेंशन करके लिख सकते हो कि अगर आपने इस डेट तक रजिस्टर किया तो आपको ये बोनसेस मिलेंगे। तो आपको थोड़ा डिटेल रिसर्च करने की जरूरत है कि जो आपके ऑडियंस हैं उन्हें एक्चुअल में क्या चाहिए, आप उससे रिलेटेड बोनसेस बनाओगे जो कि एक्चुअल में उनके लिए हेल्पफुल है, और उस बोनसेस को आप लैंडिंग पेज पे प्लस चेकआउट पेज पे प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करके मेंशन करो और वहां पे प्रॉपर डेट डालो कि जैसे वर्कशॉप का डेट है, वर्कशॉप मान लो 1 तारीख को है, तो उसके पहले 31 को ही रजिस्ट्रेशन एंड होने वाला है, एंड अगर उस डेट तक वो रजिस्टर करता है तो वो जो बोनसेस है वो उन्हें मिलेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली उन्हें एक्चुअल में समझ आएगा कि हाँ ये जो बोनसेस मुझे मिलने वाले हैं ये मेरे लिए हेल्पफुल है और वो रजिस्टर भी करेंगे। बट अगेन इसमें ध्यान रखने वाली बात वही है कि आप जो बोनसेस दे रहे हो वो एक्चुअल में आपके ऑडियंस के लिए हेल्पफुल हो। अगर ऐसी लैंडिंग पेज से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो अभी फॉलो करो एंड कमेंट करो आई वॉन्ट टू लर्न। अगर बहुत ज्यादा कमेंट होंगे तो मैं इस पर एक कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा।